आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज 3 दिवसीय बिहार दौरे पर पटना पहुंचे। मोहन भागवत पटना से भागलपुर के लिए रवाना हुए। उनके आगमन को लेकर भागलपुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। खुफिया एजेंसियों को भी सक्रिय किया गया है। इससे पूर्व जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से की जा रही तैयारियों का बुधवार को पुलिस अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। इसको लेकर पूरे जिला सहित आसपास के जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है। सरकारी खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय हैं। मोहन भागवत के आगमन के दौरान कुल 53 स्थलों को चिन्हित किया गया है, जहां मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, पदाधिकारी सहित बलों की तैनाती की गई है। इसके अलावा पुलिस सहित ट्रैफिक, एसडीआरएफ, फायर, आपदा, स्वास्थ्य आदि विभागों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। मोहन भागवत के आगमन को लेकर विशेष शाखा की ओर से भी डीआईजी, डीएम और एसएसपी को पत्र भेजकर कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिया गया है। उक्त कार्यक्रम को लेकर बुधवार को जिला प्रशासन के अधिकारियों और जिला पुलिस अधिकारियों के द्वारा समीक्षा भवन में विशेष बैठक की गई थी, जिसमें सभी तैयारियों को कोविड-19 के मद्देनजर भारत व बिहार सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार क्रियान्वित किया जाएगा। बुधवार से ही कुप्पा घाट और मुस्तफापुर जाने वाले रास्ते पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ई रिक्शा, टेम्पो आदि के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी। यातायात थानाध्यक्ष को भी मार्ग अवरुद्ध न हो, निर्बाध आगमन को लेकर विशेष दिशा निर्देश दिया गया है। इसके अलावा एसडीआरएफ को गंगा नदी में टीम की तैनाती व निगरानी और अग्निशमन पदाधिकारियों को दमकल के साथ कुप्पा घाट में तैनात रहने का निर्देश दिया गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कुप्पा घाट आश्रम आगमन को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बता दें कि सरसंघ चालक बनने के बाद 5वीं बार मोहन भागवत भागलपुर पहुंच रहे हैं। जब वह उत्तर पूर्व क्षेत्र के प्रचारक थे, तब अक्सर भागलपुर आते रहे। संघ प्रमुख बनने के बाद मोहन भागवत पहली बार वर्ष 2009 में भागलपुर आए थे। 2015 और 2018 में भी संघ प्रमुख मोहन भागवत भागलपुर आ चुके हैं। वहीं इस साल 2023 की बात करें तो मोहन भागवत दूसरी बार बिहार आ रहे हैं। इसी साल फरवरी में एक कार्यक्रम में शरीक होने मोहन भागवत महर्षि आश्रम आए थे। वहीं यह 5वीं बार है जब संघ प्रमुख भागलपुर आ रहे हैं। देखिए, उनका जो आज प्रोग्राम है, आज उनका आगमन होगा और वो जेड प्लस प्रोटेक्टी है और उसके लिए जो भी सुरक्षा के मानक है उसमें जो मॉक ड्रिल भी किया जाता है वो भी किया जाएगा। और आज और कल उनका प्रोग्राम है, पूरी रूट लाइनिंग की गई है, पूरे रूट्स पर ट्रैफिक के इसके साथ ही साथ पुलिस के जवान, अन्य जवान भी तैनात रहेंगे और जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ पर भी जितनी लोगों की आवश्यकता है हम लोगों ने तैनाती की है, उसका आदेश निर्गत हुआ है ताकि ये पूरा जो कार्यक्रम है वो अच्छे से सुचारू रूप से संचालित हो सके। शहर में कई जगह पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। हाँ, इसमें ज्वाइंट आदेश, ज्वाइंट ऑर्डर निर्गत है और इसमें तमाम पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ पे पुलिस कर्मियों की और मजिस्ट्रेट की भी तैनाती जगह जगह पर की गई है। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।